अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम इमेज पर फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये आपको वेबसाइट है जो कि जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पर सारा कोड जो है मैंने अपलोड किया है, यहाँ से आप इजीली जो है कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेमो दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आज हम क्या प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये जो है बाय डिफॉल्ट इमेज है जो यहाँ पर मैंने इमेज व्यू में सेट की है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए सारे जो फिल्टर्स है वो आपको नाम के साथ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये रिसाइक्लर व्यू क्रिएट किया है यहाँ पर, जहाँ पर आपको जो है फिल्टर्स के कलर नजर आ रहे हैं और इस तरह से उनके ऊपर नाम भी आ रहे हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर जो है ये एक गैलरी का बटन है और एक सेव का बटन है। इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए ये फिल्टर अप्लाई होगा। इस तरह से हम जो है इमेज पर फिल्टर अप्लाई करेंगे। और अगर आप चाहें तो गैलरी से भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसको यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है यहाँ पर आप गैलरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है गैलरी ओपन होगी। यहाँ से आप कोई भी जो है इमेज इजिली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जो है एक इमेज सिलेक्ट कर लेती हूँ और इस तरह से आप यहाँ पर जो है ये फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद डिफरेंट फिल्टर्स आप अप्लाई करेंगे इमेज पर। यहाँ से आप जो है सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह से आपकी इमेज सेव होगी। और अगर आप ओपन करना चाहें तो यहाँ पर ओपन का बटन क्लिक करेंगे और आपके पास ये गैलरी में इमेज सेव हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप का प्रोग्राम जो है आज हम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें और मैंने तो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और फिर उस पर काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ से आप जो है ये लाइब्रेरीज को कॉपी कर लें और उसके बाद जो है कंट्रोल सी करके कॉपी कर लें और उसके बाद जो है उसको हम पेस्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर आपने build.gradle में जाकर यहाँ पर आना है और यहाँ से आपने इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने जो है ट्राई सिंक करना है। ठीक है, आपका सिंक यहाँ पर लिखा होगा तो आप क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया है तो इसलिए ट्राई अगेन कह रहा है। आपका सिंक ना हो पाएगा तो आपने उसको जो है सिंक कर देना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर सबर करना है। तो ये देखिए जो है ये सिंक हो चुका है। सबसे पहले आते हैं अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ और लेआउट जो है डिजाइन करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर वेबसाइट पर आना और यहाँ से जो है आपने जो मेन एक्टिविटी का लेआउट है उसको आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर दें। तो इस तरह से कुछ जो है इसका ये लेआउट हमने क्रिएट किया है। यहाँ पे आपने ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर ये इमेज व्यू मैंने बनाया है जहाँ पर हम इमेज को शो करेंगे। इसके बाद ये रिसाइक्लर व्यू है। ठीक है, जहाँ पर जो है फिल्टर्स आपको सारे शो होंगे और उसके बाद हमारे पास एक लीनियर लेआउट मैंने क्रिएट किया जिस पर दो बटन, एक गैलरी का बटन है और एक आपके पास सेव का बटन है। तो लेआउट बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आप यहाँ से इजिली क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके पास आ गया है मेन एक्टिविटी का लेआउट। उसके बाद हमें यहाँ पर जो ये रिसाइक्लर भी आपको शो हो रही है इसके लिए हम एक लेआउट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम उसके लिए एक लेआउट क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए ये आपके सामने जो है रिसाइक्लर व्यू का लेआउट है। ठीक है, आपने यहाँ से इसको इजीली आप कॉपी कर सकते हैं। तो इसको आपने कॉपी कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक लेआउट क्रिएट करते हैं। ये देखिए एक जो है टेक्स्ट
व्यू हमने क्रिएट किया जिस पर फिल्टर का नाम आपके पास आएगा और उसके बाद एक इमेज व्यू है, ठीक है, जहां पर हम फिल्टर वो सारे उस इमेज पर तमाम फिल्टर्स को अप्लाई करके यहां पर रिसाइक्लोड पे शो करवाएंगे। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हम एक राउटर क्रिएट करेंगे, ठीक है, रिसाइक्लर व्यू के। आप यहाँ पर जावा में आ जाए, यहाँ पर आप जो है एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आप आर्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ठीक है एक व्यू होल्डर की जो है क्लास उसके बन जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में दोबारा इस पर आर्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद ये मेथड जो है आप इनको ओवरराइड कर लेंगे। इसके बाद दोबारा आप यहाँ पर एक आर्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये क्लास बन जाएगी और ये इस तरह से आपका ये अडॉप्टर बन जाएगा। तो अब यहाँ से अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हमें वेरिएबल्स चाहिए वो हम यहाँ पर देखिए एक हमने लिस्ट क्रिएट किया जिसकी जो है थंबनेल आइटम की टाइप किया, ठीक है। ये जो आपके पास ये जो क्लास है ये आपके पास बिल्ड इन है, यहाँ पर आप कंट्रोल और माउस स्टेप रखते हैं तो ये आपके पास देखिए इस तरह से ये क्लास ओपन हो जाती है। तो ठीक है ये आपके पास जो है बिल्ड इन है, हमने डिजाइन नहीं की बल्कि पहले से बनी हुई है। इस क्लास के अंदर आपके पास देखिए तीन जो है टाइप्स के वेरिएबल है, एक आपके पास फिल्टर नेम है, ठीक है, जहां पर आपके पास जो फिल्टर का नाम आता है वो उसके लिए है, ये आपके पास इमेज के लिए, और तीसरा आपके पास फिल्टर के लिए है। तो जब इसको यूज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक तीसरी चीज जो है वो लिसनर लगाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो है एरर शो कर रहा है, इसको हम बाद में देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो है हम कंस्ट्रक्टर जो है क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो है थंब लिस्ट आइटम यहाँ पर जो है लेआउट हमने सेट कर दिया है। अब यहाँ पर क्या हमने करना है, सबसे पहले जो है आपने
यहाँ पर पोजीशन आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि जो फर्स्ट वाला वहां से मैन एक्टिविटी से जब फर्स्ट वाला आपके पास जो है आइटम आएगा वहां उसका हमने सबसे पहले यहाँ पे नेम कट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर उसकी इमेज, और उसके बाद जो है हम आपने देखा है कि जैसे ही इमेज पर क्लिक कर दिया तो वो फिल्टर अप्लाई होता है, तो वो काम हमने क्या कहाँ पे करना है, यहाँ पर जैसे ही ये क्लिक होगा तो यहाँ पर जो है कुछ इसका काम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए व्यू होल्डर का एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर होल्डर है, तो इसको हम व्यू होल्डर कर देते हैं, तो ये इस तरह से ये फिनिश हो गया है। अब यहाँ पर जो है क्या कहते हैं ये टाइटल इमेज का एरर आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर इनकी आईडी नहीं गेट की, तो यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले जो है आईडी गेट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है एक हमने जो है टेक्स्ट व्यू क्रिएट किया था जहाँ पर जो फिल्टर है उसका उसके नाम के लिए, और नीचे जो है एक हमने इमेज क्रिएट की थी, तो यहाँ पर ये दो चीजें आ गई हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने आईडी ऐड करनी है, तो चलिए आईडी ऐड करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपने आईडी ऐड कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक चीज है जिस पर एरर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है थंब अडॉप्टर लिसनर, ये दरअसल हमारे पास ये इसका एरर क्यों आ रहा है क्योंकि ये जो है एक इंटरफेस है जिसकी वजह क्यों हमने बनाया है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही जब यहाँ पर कोई भी यूजर जो है जब उस इमेज को जो रिसाइक्लर व्यू के अंदर इमेजेस है उनमें से किसी को भी जब वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है, सपोज के उसने यहाँ पर जो है एक इमेज को सिलेक्ट किया है, ये देखिए हमारे पास जो तमाम इमेजेस है, ठीक है, तो यूजर ने जैसे ही इस इमेज को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो ये जो अब फिल्टर है ये हमने अप्लाई किसने करना है, इस इमेज के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने करना क्या है कि यहाँ से जो फिल्टर हमने सिलेक्ट किया है वो हमने मैन एक्टिविटी की तरफ भेजना है, क्योंकि ये जो लेआउट है ये सारा कहाँ पर बना है, मैन एक्टिविटी के अंदर, और जो ये जो कलर है जो हमने सिलेक्ट किया है ये इसके यहाँ पर कहाँ पे है, अडॉप्टर के अंदर। तो ये अब जो फिल्टर है ये हमने मैन एक्टिविटी की तरफ भेजना है, तो उसके लिए हमने एक इंटरफेस बनाया है, जैसे ये देखिए ये लिखा है ऑन फिल्टर सिलेक्टेड, तो ये जो है इंटरफेस के जरिए जो है यहाँ पर जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका मैं इंटरफेस बनाती हूँ, फिर आपको जो है मजीद अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये देखिए आप यहाँ पर इस इंटरफेस के अंदर हमने एक फिल्टर सिलेक्टेड का मेथड बनाया जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं फिल्टर भेज रहे हैं, तो ये अब यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है क्योंकि ये लिसनर वन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे ही कोई बंदा इस इमेज पर क्लिक करेगा तो इस इंटरफेस के जरिए हमने जो सेट फिल्टर सिलेक्टेड है वहां पर ये जो फिल्टर जो यूजर ने जो सिलेक्ट किया है वो हम यहाँ पर भेज रहे हैं। अब ये हम जो है कहाँ पर काम करेंगे, इस फंक्शन को हम मैन एक्टिविटी में डिफाइन करेंगे और वहां पर ये जो फिल्टर जो हम यहाँ पर भेज रहे हैं यहाँ से वहां पर हम उसको गेट करेंगे और उसको हम इमेज पर शो कर देंगे। तो ये जो है अडॉप्टर का जो है काम था जहां पर अभी ये गेट आइटम में हमने क्या करना है साइज भेजना है, आइटम, तो इस तरह से आप जो है इसका साइज जो है ये, तो ये आपका डॉक्टर है। अब हम चलते हैं अपनी मैन एक्टिविटी की तरफ, क्योंकि लेआउट हमारे तकरीबन डिजाइन हो गया है, डॉक्टर भी हमारा बन गया है, ठीक है, और अब हम यहाँ पर मैन एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो क्या काम है, जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम ये जब हमने रन किया था तो यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट एक इमेज थी, ठीक है, ये जो इमेज है ये हमारे जो कहाँ से आ रही है, ये हमारे अपने जो है रिसोर्सेज है जो अंदर एंड्रॉइड के अंदर होते हैं वहां से आ रही है। सबसे पहले हमारा काम है कि हम उस हम इस इमेज को जो है एसिड फोल्डर के अंदर हम डालेंगे और उसके बाद उसको जो है गेट करेंगे। तो सबसे पहले आप कोई भी एक इमेज अपनी मर्जी की जो है सिलेक्ट कर लें, ठीक है, उसको कॉपी कर लें, उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे ऐप न्यू फोल्डर्स में, आप एक एसिड फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आकर जो है उस इमेज को आपने पेस्ट कर देना है। अब आपने एसिड फोल्डर पर माउस रखना है और कंट्रोल वी करना है और आपने एक इमेज जो है यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा काम है वो आपको पता है टैक्स व्यू की, आपने सबसे पहले इमेज को आईडीज को गेट करना है, रिसेंटर व्यू की आईडी को गेट करना है, बटन जो हमने क्रिएट किए हैं उनकी आईडीज को गेट करना है। तो इंशाल्लाह जो है ये फर्दर नेक्स्ट वीडियो में आप आगे प्रोसीड करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज। और इस वीडियो का जो लिंक है और जो फर्दर जो न्यूज वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसके बाद जो वेबसाइट के अंदर कोड है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सब कुछ लिंक्स आपको मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो वहां से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अल्लाह।